पाकिस्तान में अमरीकी मिशन के नायब सरबराह एंड्रयू शॉफर 13 खां 16 सेप्टेम्बर ताई कराची जो दौरों कर जै दौरान बतरफी व्यापार सीड़पकारी मुआशी तरक्की के हथी जारण वारन मामलन से गालबोल कई गई। एंड्रयू शॉफर बीन ग्रीन शिपिंग गोल मेज मुबाइसे की मेजबानी कदे करियर चैलेंजन खास कर मौसमियाती तब्दीली से लागातल मसलन के मुंह दियण लाए अमली लह विछण की जरूरत से जोर भर। ग्रीन शिपिंग के मौजू से इन गोल मेज मुबाइसे जो इंतजाम आलमी तरक्की बाबत अमरीकी एजेंसी यूएसएड के माली सहकार से पाकिस्तान रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक्टिविटी पारा किया वो। गोल मेज कॉन्फ्रेंस में हुकूमती अहदेदार कारोबारी बरादरी और शिपिंग से लागापुर शख्सतन शिरकत कई। इन मुबाइसे में इन गाल से जोर भर वो तो पाकिस्तान में माहौल दोस्त और पायेदार शिपिंग के हथी डारी वे जदा त कोप 28 तहत ग्रीन शिपिंग के दरपेश चैलेंजन के मुंह दियण लाए वाजह कर तरीकेकार की भरपूर हिमायत कई वही। उन मौके से गलहाइंदे एंड्रयू शॉफर असा इन मुबाइसे जेसन कदम तोड़े तकरीबन वसीले मौसमी तब्दीली के मुंह दियण लाए गजल गालबोल के हथी डारण से गड पाकिस्तान की सलाहियत बढ़ाने ला जदीद हल गोल्हण में मदद कर रहा हूं। इन सामूंडी वणज व्यापार से लगातार पायेदार सरगर्मी के समूरन शोबन में मुंतकली ला सहकार करते तकरीब में शिरकत करण के अजम और कोशिशन के सराहो। उन सवाए एंड्रयू शॉफर मजहबी अकलियतन के अगवान से मुलाकात में मजहबी भाईचारे और सेहत की अहमियत से जोर भर जद पाकिस्तान में मजहबी अकलियतन के हकन लाए अमरीका पारा मुकम्मल हिमायत जारी रखने के अजम के वर्जायो। एंड्रयू शॉफर के कराची वाले दौरे की पुजाणी पोर्ट कासिम में थी जिते इन पोर्ट कासिम अथॉरिटी के चेयरमैन कारगल और एंग्रो कॉर्पोरेशन की कयादत से तामीरी मुलाकात दौरान ग्रीन शिपिंग बंदरगाह के सरगर्मियों तवनाई के हल और बिन जदीद तरीकों से गालबोल कई। डीआईजी सखर अब्दुल हमीद खोसो खान माहण पहुंची पीरानी हवेली में कतल कर फातिमा फरड़ो की अमर शबाना और वालिद नदीम फरड़ो से मुलाकात करे वाकई